नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष टीवी में। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और मुख्य शूटर के करीबी सहयोगी का नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा है कि गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने विशेष आयुक्त HS धारीवाल ने यहाँ कहा है कि पुलिस ने गायक और कांग्रेस नेता हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर के करीबी सहयोगी सिद्धेश हिरामन और कामले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया है। विशेष आयुक्त ने बताया है कि पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 और लोगों की पहचान की है और धालीवाल ने कहा है कि हत्याकांड में लॉरेंस के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई की भूमिका का पता चला है। हालांकि पुलिस ने मूसेवाला की हत्या की वजह की जानकारी नहीं दी है और यह भी नहीं बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में कैद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की साजिश कैसे रची और उसे कैसे अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक महाकाल ने लॉरेंस के कहने पर जुर्म को अंजाम दिया और मूसेवाला की हत्या के मुख्य शूटर और लॉरेंस के समन्वय में महाकाल अपराध करता था। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इससे पहले लॉरेंस ने जांचकर्ताओं को बताया था कि कनाडा में रहने वाला गोल्डी बरार सहित उसके ग्रोह के सदस्यों ने साजिश रची थी और मूसेवाला की हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि लॉरेंस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने अब तक अपने ग्रोह के सारे खुलासे नहीं किए हैं जो कि हत्या के असली साजिशकर्ता हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य शूटर सौरभ महाकाल को पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और पुणे ग्रामीण में इसके खिलाफ मकोका के तहत कई मामले दर्ज हैं। ओमकार उर्फ रान्या बानखेले की हत्या का मामला भी दर्ज है और अभी उसकी गिरफ्तारी इसी मामले में पुणे पुलिस ने दिखाई है। दरअसल मूसेवाला केस में एक और पुणे का ही शूटर संतोष जाधव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंचर इलाके में ओमकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिससे उसके ऊपर 302, 120B, 34 आर्म्स एक्ट 3, 25, 27 और मकोका की धारा 3, 3, 1 और 3, 4 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें जांच में यह बात सामने आई कि सौरभ महाकाल ने ओमकर की हत्या के बाद संतोष जाधव के खिलाफ जब वारंट निकला था तो तब उसे अपने यहाँ पर छिपा के रखा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और नया अपडेट है कि पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। गौर हो तो सतिंदर जीत और गोल्डी बराड़ श्री मुख्तार साहिब का मूल निवासी है, जो कि 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा आया था और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, पर इस केस में आगे लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और सौरभ महाकाल के खिलाफ कोई भी अपडेट आती है या फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में कोई भी अपडेट आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कटाक्ष टीवी पर। धन्यवाद।